स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व सीएम कमलनाथ का एक संदेश सामने आया है। उनका कहना है कि संविधान की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, आने वाली पीढ़ियों को हम प्रजातांत्रिक चरित्र सौंपें। यह कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नैतिक और सैद्धांतिक राजनीति के मुताबिक संविधान के प्रावधान होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने एक सपनों का नया एमपी बनाने का संकल्प लिया है। ये सारी बातें आज उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हुए कही। गौ माता के संरक्षण और सुरक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। हमने गौशाला के निर्माण की शुरुआत की। देश भर में सबसे ज्यादा गौशाला हमारे प्रदेश में बने। मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने, स्वास्थ्य बीमा जैसे कर्मचारी हित में फैसले किए। हमने अध्यात्म विभाग बनाया और तब राम वन गमन पथ की योजना बनाकर राशि स्वीकृत की। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर के विकास के साथ साथ पवित्र नर्मदा और शिप्रा नदी के संरक्षण का अभियान प्रारंभ किया। मेरा सपना है कि मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान बने, हमारा प्रदेश एक समृद्ध और विकसित राज्य बने। प्रदेश के नागरिक पिछले महीनों की कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं, उनके संघर्ष में हम सभी उनके साथ हैं। प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स को मैं सलूट करता हूं। मेरी सरकार ने प्रदेश की जनता के हित में जो कार्य और योजनाएं शुरू की थीं, उनमें से कुछ अधूरी हैं। प्रदेश में खुशहाली का दौर जो हमने शुरू किया था वह रुक गया है। मेरे सपनों का मध्य प्रदेश, एक नया मध्य प्रदेश बनाने का मैंने संकल्प लिया है। हर साल 15 अगस्त हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा लेकर आता है। हमें इस बार लोकतंत्र और संविधान को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आना होगा। आज प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। आज के दिन हम संकल्प लें, हम सच्चाई को पहचानते हुए सच्चाई का साथ दें। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। पेंशन राशि 600 रुपए की। गौ माता के संरक्षण और सुरक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। हमने गौशाला के निर्माण की शुरुआत की। देश भर में सबसे ज्यादा गौशाला हमारे प्रदेश में बने। मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने, स्वास्थ्य बीमा जैसे कर्मचारी हित में फैसले किए। हमने अध्यात्म विभाग बनाया और तब राम वन गमन पथ की योजना बनाकर राशि स्वीकृत की। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर के विकास के साथ साथ पवित्र नर्मदा और शिप्रा नदी के संरक्षण का अभियान प्रारंभ किया। मेरा सपना है कि मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान बने, हमारा प्रदेश एक समृद्ध और विकसित राज्य बने। प्रदेश के नागरिक पिछले महीनों कि कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं, उनके संघर्ष में हम सभी उनके साथ हैं। प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स को मैं सलूट करता हूं। मेरी सरकार ने प्रदेश की जनता के हित में जो कार्य और योजनाएं शुरू की थीं, उनमें से कुछ अधूरी हैं। प्रदेश में खुशहाली का दौर जो हमने शुरू किया था वह रुक गया है। मेरे सपनों का मध्य प्रदेश, एक नया मध्य प्रदेश बनाने का मैंने संकल्प लिया है। हर साल 15 अगस्त हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा लेकर आता है। हमें इस बार लोकतंत्र और संविधान को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आना होगा। आज प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। आज के दिन हम संकल्प लें, हम सच्चाई को पहचानते हुए सच्चाई का साथ दें। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।